यार 17 तारीख को मुझे एक मेरा एक दोस्त है जो कि वेब डेवलपमेंट कंपनी में काम करता है, उसकी कॉल आती है मेरे से, कहता है वो कि हैरी भाई बूटस्ट्रैप 5 आ गई और उन्होंने जेक्वेरी हटा दी। मैंने कहा जेक्वेरी हटा दी? मुझे लगा वो मेरी फिरकी ले रहा है। अभी उसने 3 महीने पहले मुझे कॉल किया था, वो बोला था Python 4 आ गई, तब मुझे पता है कि वो काफ़ी फिरकी में लेता है। मैंने कहा चल जाना, तो मेरे को बोलता है कि आ गई सच्ची में और जेक्वेरी हटा दी उन्होंने और काफ़ी अच्छी है। तो तब से मैंने देखा, जब इंटरनेट पे पहला सर्च मारा Bootstrap 5 तो वेबसाइट खुल गई, मैंने कहा हाँ यार ये तो आ गई और उन्होंने जेक्वेरी को हटा दिया और अब वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। मैंने कहा भाई ये चीज़ तो मतलब मैं बहुत पहले से चाहता था। मैं Bootstrap 3 से Bootstrap 4 में जो चेंजेस हुए उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मैंने। फिर उसके बाद Bootstrap 4 से मुझे सिर्फ एक शिकायत थी कि यार ये जेक्वेरी को लगाता है, जेक्वेरी को वहाँ यूज़ करता है जहाँ पर वनीला जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन में यूज़ हो सकती है, और यार अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ों में भी अंदर यूज़ कर रहा है वो जेक्वेरी को, तो वो वनीला जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस करो ना यार। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इतनी बढ़िया है, हम लोगों ने देखी, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ है जो जेक्वेरी प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके बाद भी जो Bootstrap 4 था वो यूज करता था जेक्वेरी को, गिवन कि जेक्वेरी कुछ कुछ वेबसाइटों में बहुत हैवी हो जाती है। अब बहुत हैवी भी नहीं होती है अगर आप लोग सिंपल यूजर इंटरफेसेस बना रहे हैं, लेकिन तब भी अगर आप जेक्वेरी को हटाकर सिर्फ उतना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहो जितना आपको जरूरी है, और जो जावास्क्रिप्ट का कोड आप जेक्वेरी की सहायता से लिख रहे थे आप उसको अपने Bootstrap.js में डाल दो तो कितना अच्छा रहे, ऐसा मैं पहले सोचता था और वैसा कर दिया है Bootstrap 4 ने। Bootstrap 4 से जो Bootstrap 5 में माइग्रेशन होगा उसमें जेक्वेरी की जरूरत ही नहीं होगी। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आए हैं Bootstrap 5 के अंदर जो कि मैं आप लोगों को क्विकली जल्दी से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मेरे पास जैसे ही खबर आएगी Bootstrap 5 आ चुका है, मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम लूंगा, एनालाइज करूंगा, देखूंगा अच्छा है बुरा है क्या है, और उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग जल्दी से कवर करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या Bootstrap 4 अब बर्बाद हो चुकी है, क्या Bootstrap 3 बेकार है, क्या Bootstrap 5 ही फ्यूचर है, क्या उसी को हमें देखना चाहिए अब क्योंकि वो फर्स्ट अल्फा रिलीज में, तो क्या उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देता हूं। देखो जी, सबसे पहला जो चेंज है वो तो यही है जो कि मैंने आपको बता दिया कि जेक्वेरी अब हटा दी गई है, और जो काम पहले जेक्वेरी किया करती थी अब वो वेनिला जावास्क्रिप्ट करती है, यानी कि प्लेन एंड सिंपल जावास्क्रिप्ट करती है। फिर उसके बाद भी मुझे वेब एप्लीकेशन बनाने में एक चीज खटकती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और 11 का सपोर्ट। जबकि मॉडर्न ब्राउजर्स प्रेजेंट है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और 11 को क्यों यूज़ कर रहे हो? मैं तो हमेशा से लोगों को कहता हूँ यार मॉडर्न ब्राउजर यूज़ करो, सफारी यूज़ करो, क्रोम यूज़ करो, फायरफॉक्स यूज़ करो, उसमें मॉडर्न जावास्क्रिप्ट चलती है, डेवलपर के लिए आसानी होती है, आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि यार इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 को जो है सपोर्ट करो, 11 को सपोर्ट करो। Bootstrap 5 ने एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर उठाया, कहा कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप मॉडर्न ब्राउजर पर आइए, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मूव है यार। सब कुछ मॉडर्न हो रही है चीज़ें, हम लोग जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे अच्छी चीज़ों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज के अंदर। तो मेरे हिसाब से Bootstrap को, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 को सपोर्ट करने का कोई पॉइंट कभी बनता ही नहीं था, और वो कर रहे थे, लेकिन अब जो है उन्होंने कह दिया है कि हम Bootstrap में इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और 11 को सपोर्ट नहीं करेंगे, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है। फिर उसके बाद उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन की जो उनका लेआउट होता है जहाँ साइड में कंपोनेंट्स लिखा आता है, अगर मैं यूज़ करता हूँ Bootstrap को, आप लोगों ने कोई ट्यूटोरियल देखा है तो आपको पता होगा, उन्होंने उसके नेविगेशन को बड़ा स्मूथ सा बना दिया है। अब मतलब जैसे VS कोड का नेविगेशन होता है ना, क्लिक करो तो ऐसे हो जाता है एरो, फिर ऐसे सीधा हो जाता है, तो उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल वैसा बना दिया, और मेरे हिसाब से डेवलपर्स के लिए एक अच्छी फील है कि जो लोग सबलाइम एटम वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे फाइल्स लेड आउट होती हैं वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर उन्होंने जो सारे कंपोनेंट्स और ये टेबल्स वगैरह ये सब चीजें उनको लेआउट करा है। हालांकि ये तो यूजर इंटरफेस का छोटा मोटा चेंज है, लेकिन तब भी मैंने सोचा बताऊं आपको, मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन और उसी के साथ साथ उन लोगों ने क्रेडिट सिस्टम्स को इंप्रूव किया है, फॉर्म में थोड़े चेंजेस लाए हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए हैं और कुछ कंपोनेंट्स रिमूव भी किए, जैसे कि जंबोट्रॉन को इन्होंने रिमूव कर दिया है, और उसका रीजन ये है कि उसको बहुत ही क्विकली बनाया जा सकता है Bootstrap की ही मदद से। अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए बाय द वे Bootstrap 5 का क्विकली, तो आप लोग जरूर बताएं मुझे, मैं जरूर बनाऊंगा। हालांकि मैंने Bootstrap 4 का ट्यूटोरियल बना रखा है, लेकिन आप लोग अगर चाहते हो Bootstrap 5 का मैं ट्यूटोरियल आप लोगों को दूं तो मुझे जरूर बताओ आप लोग नीचे कमेंट करके। मैं Bootstrap 5 से 3 दिन हो गए खेलते हुए, 3-4 दिन हो गए, मैं सिर्फ Bootstrap 5 ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में भी, 4 दिन से मैं UIs बना रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या अच्छा क्या बुरा, क्यों कैसे कब क्या, और ओवरऑल जो मेरी फाइनल वर्डिक्ट है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो, वो ये है कि Bootstrap 5 बहुत मज़ेदार है, आपको यूज़ करना चाहिए, और Bootstrap 4 का इम्प्रूव्ड वर्जन है, और Bootstrap 4 में जो आपने सीखा था वो भी आपका काम आएगा, बिल्कुल वही चीज़ें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Bootstrap 4 अगर आपने सीखा है तो Bootstrap 5 आपको 80-90% ऑटोमेटिकली आता है,
पिछले 4 दिन से तक मुझे भी नहीं आता था Bootstrap 5, क्योंकि Bootstrap 5 तो अभी आया है। मुझे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ा, विजिट देख करना पड़ा, और फिर उसके बाद थोड़ा उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ा, कुछ मैंने लेआउट्स बनाए उसमें, फिर मुझे फाइनली चेंजेस पता चले कि जैसे बटन कंस्ट्रक्टर होता है, मैंने वहाँ पर बटन कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया। पहले कैसे बनता था, जावास्क्रिप्ट से बटन जेक्वेरी यूज़ होती थी, अब जेक्वेरी तो हटा दी है तो आपको कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, हर चीज़ का कंस्ट्रक्टर दे दिया है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर और जो अप्रिशिएट करूँगा Bootstrap की, वो ये है कि फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। फिर इन्होंने जो फॉन्ट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिव बना दिया। मैंने फील किया कि जब मैं अपनी वेबसाइट बना रहा था और उसमें मैं जब उसको छोटा कर रहा था Bootstrap की, डायरेक्टली मैंने H1 H2 H3 यूज़ किया था, तो वहाँ पर क्या होता था कि मुझे फॉन्ट साइज़ काफ़ी परेशान करता था। मुझे मैनुअली CSS से CLC फंक्शन यूज़ करना पड़ता था और वहाँ से अपने रिस्पॉन्सिव फॉन्ट को बनाना पड़ता था, या फिर VW वगैरह यूज़ करना पड़ता था, उसमें प्लस करना पड़ता था कुछ पिक्सल्स। अब उसका आसान तरीका CSS में बहुत सारे हैं, CSS के काफ़ी वर्क अराउंड हैं, लेकिन Bootstrap बनाई उन लोगों के लिए जो HTML CSS की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने उस चीज़ को जो है एड्रेस किया है। और उसी के साथ साथ उन लोगों ने कुछ फॉर्म्स के नए बटन्स, चेक बॉक्सेस, उनका थोड़ा सा जो स्टाइल है उसको चेंज किया है, और जो ओवरऑल फ्रेमवर्क लोड डालता है एक वेब एप्लीकेशन पर उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि Bootstrap 5 आ गया, मुझे लगा कि यार नहीं मजाक है, क्योंकि मुझे Bootstrap 4 काइंड ऑफ परफेक्ट लगता था ये जेक्वेरी वाली बात को छोड़ के, और काफ़ी अच्छा भी है Bootstrap 4। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे वो बात हो वेबसाइट के स्लो चलने की, या फिर वो बात हो किसी बटन के अच्छे ना दिखने की। लेकिन मैं इन सब की न्यूज़ ज़्यादा फॉलो कर नहीं रहा था Bootstrap की, कि यार Bootstrap कब आ रहा है। मुझे मेरे कान में किसी ने डाली नहीं कि Bootstrap का 5 भी बन रहा है, तो मुझे तभी पता चला जब उसने मुझे कॉल करके बताया। अब वो तो क्योंकि यार वेब डेवलपमेंट कंपनी में काम करता है तो उनके तो ये बातें होती रहती हैं, तो उसने मुझे कॉल करके बताया तो मुझे पता चला कि यार Bootstrap 5 आ गया। और फिर एक दो कमेंट भी आ रहे थे कि Bootstrap 5, वेरी बाय Bootstrap 5। मैं मतलब देख रहा था कमेंट्स, मैं कह रहा था हाँ भाई थोड़ा टाइम तो देखने दो Bootstrap 5 को एक बार, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो ओवरऑल बहुत मज़ेदार चीज़ है Bootstrap 5। अब यहाँ पर कोई सवाल आप लोगों के जो आ रहे हैं वो एड्रेस कर देता हूँ। कमेंट्स आ रहे हैं पिछले 2-4 दिन से, 2 दिन से आ रहे हैं मेनली कि आप लोगों को क्या Bootstrap 4 जो मैंने सिखाया वो बेकार हो चुका है, क्या Bootstrap जो है अब नया सीखना पड़ेगा शुरू से, तो क्या मैं Bootstrap को छोड़ दूँ। देखो Bootstrap है क्या, सबसे पहले समझो Bootstrap क्या है। Bootstrap बना ही इसीलिए कि आपको HTML CSS JavaScript की ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। हल्की सी आपने HTML सीख ली, CSS तो मैं कहूँगा सीखो भी मत, JavaScript हल्की पुल्की सीख ली, वो भी उतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि सब कुछ HTML में है आजकल, ठीक है, उसके Bootstrap की जो फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको अगर HTML आती है तो सब आपकी CSS JavaScript लगी लगाई उसमें आपको मिल जाती है, इसीलिए Bootstrap बना है। तो आप कॉपी पेस्ट पहले भी करते थे Bootstrap 4 में, आप Bootstrap 5 में भी कॉपी पेस्ट ही करोगे, तो आपको टेंशन किस बात की है। आपको इम्प्रूव कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, आपको आइकन्स की लाइब्रेरी मिल रही है एडो के, आपको कई चीज़ें मिल रही हैं उसमें, आपको जेक्वेरी रिमूव होकर मिल रही है, लाइट वेट चीज़ आपको मिल रही है। अब आपको जो एक चीज़ और लर्न करनी पड़ती शायद Bootstrap 4 को लर्न करने से पहले, जो कि जेक्वेरी थी, अब वो आपको Bootstrap 5 में वो भी लर्न नहीं करनी है। यानी कि आप अपना Bootstrap की जर्नी को स्टार्ट करोगे और आप जावास्क्रिप्ट पर ही बने रहोगे, और फिर एक स्ट्रांग डेवलपर की तरह आप लोग जावास्क्रिप्ट को सीखोगे, ना कि आप जेक्वेरी सीखोगे और वो जेक्वेरी आपकी फिर उसके बाद, क्योंकि आप तो वनीला जावास्क्रिप्ट लिखना चाहोगे फ्यूचर में, तो वो जेक्वेरी काइंड ऑफ आपकी वेस्ट सी हो जाएगी कि यार कहाँ चक्कर में पड़े जेक्वेरी। अब आपको जेक्वेरी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली आ सकते हो जावास्क्रिप्ट में, जितनी भी जावास्क्रिप्ट आपको आती है उसको आप यूज़ कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर है जैसे, सिंपल एक लाइन ऑफ कोड से बटन बन जाता है जावास्क्रिप्ट में, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर जो कि Bootstrap 5 लेकर आया। तो सवाल, क्या Bootstrap 4 यूजलेस हो चुका है? जवाब है नहीं, जब तक कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे Bootstrap 4 की। क्या आप Bootstrap 4 को बनाया आप लोगों ने, क्या आपने उसके ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया? अगर हाँ तो हाँ, चेंजेस जो है वो हुए हैं Bootstrap 5 में, लेकिन अगर आप सिर्फ यूज़ करते थे Bootstrap 4 को, आप समझो डिफरेंस, आप यूज़ जैसे Bootstrap 4 को करते थे वैसे ही Bootstrap 5 को भी यूज़ करोगे, और एग्जैक्टली सेम ही है, 90% कहूँगा सेम ही है, कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स मिलते हैं स्पीड में आपको जेक्वेरी के रिमूव होने से, कुछ नए कंपोनेंट्स मिलते हैं, और अभी तो यार अल्फा वर्जन में हो सकता है कुछ और चेंजेस आए, तो मैं और आप देखते हैं, इंतज़ार करते हैं क्या होता है। और मुझे बता दो अगर कमेंट्स आते हैं इस वीडियो में कि Bootstrap 5 का एक ट्यूटोरियल विद अ फुली फ्लेज्ड वेबसाइट, अगर आते हैं कमेंट्स, इनफ कमेंट्स आते हैं, तो आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को Bootstrap 5 का एक वन वीडियो बनाकर दूंगा, अगर कमेंट्स आते हैं तो आपका क्या कहना है Bootstrap 5 को लेकर? लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में Bootstrap 5 की डॉक्यूमेंटेशन का, और आप लोग जो है देखो, ज़रा मुझे भी बताओ यार कैसा लगा आप लोगों को ये जेक्वेरी का रिमूव होना, और फिर उसके बाद कुछ और कंपोनेंट्स का ऐड होना, और ये सारी चीज़ें।
और क्या आप लोग बूटस्ट्रैप 5 इस्तेमाल करते हो? मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। कब इस्तेमाल करता हूँ? जब मुझे जल्दी से देने पड़ते हैं लेआउट्स बना के। अब मैं डेटा साइंस का काम कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा साइंस का काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्यों टेंशन लूँ HTML CSS JavaScript की? अगर कोई मुझसे डेटा साइंस का कोई काम करवा रहा है तो मैं उसको गिफ्ट के तौर पे दे देता हूँ एक UI बना के, और वो मैं बना देता हूँ बूटस्ट्रैप से। और जिसको जानकारी नहीं है उसको पता ही नहीं होता है कि यार मैंने कितनी मेहनत करी उसको बनाने में। यहाँ मैंने लगाए होते हैं अपनी ज़िंदगी के 2 मिनट एक्स्ट्रा बस, जिसमें कि मैंने कॉपी पेस्ट किया होता है बूटस्ट्रैप को, लेकिन सामने वाले को लगता है कि यार इतना अच्छा UI बना के दे दिया, अरे रिस्पॉन्सिव भी है, तो उसमें तो वो और वैसे हो जाता है कि वाह रिस्पॉन्सिव भी है। तो मतलब आपके क्लाइंट्स खुश रहे, आप लोगों को कितना खुश पा कर पाते हो अपनी नॉलेज से। आपको बूटस्ट्रैप के बारे में पता है कोई चीज़ होती है, बूटस्ट्रैप 5 के बारे में पता है कि यार ये चीज़ इसमें है, इम्प्रूव होके आया है, तो बूटस्ट्रैप 5 ही अब हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। लेकिन क्या बूटस्ट्रैप 4 मर चुका है? नहीं, अभी बूटस्ट्रैप 5 जो है वो स्टेबल नहीं है, तो इसलिए भी हम बूटस्ट्रैप 4 पर ही थोड़े टाइम तक स्टिक रह सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्यूचर में बूटस्ट्रैप 5 आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ। आपका क्या कहना है इस बारे में, बूटस्ट्रैप 4 कैसा लगा, 5 कैसा लगा, आप लोगों को बताना। 4 तो अच्छा लगा ही आप लोगों को, मुझे पता ही है। लेकिन अगर कोई और आप लोगों का कोई ऐसा लगता है आप लोगों को कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया, क्योंकि यार मैं भी अभी इसको एक्सप्लोर करने की स्टेज में ही हूँ, आई एम नॉट अ परफेक्ट चैप अभी बूटस्ट्रैप 5 का। मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने स्लाइडर्स बना के देखे, मैंने वहाँ पर देखा कि जिस हिसाब से स्लाइडर्स एनिमेट होते थे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। क्या कोई पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट मिस किया, प्लीज़ कॉमेंट में बताओ। ऐसा हो सकता है भाई मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, बट मेजर पॉइंट जो इतने टाइम में मैंने देखे आपको कवर करके बता दिए। कुछ मिस हुआ तो बताओ कमेंट में, आई वुड डेफिनेटली लव टू लिसन। मैं देखूंगा और उसको एक्सप्लोर करूंगा। और अगर आपको बूटस्ट्रैप 5 का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कर दो जल्दी से, और वो भी आ जाएगा, बूटस्ट्रैप 5 का ट्यूटोरियल भी आ जाएगा, वन वीडियो जल्दी से बनाकर डाल दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बता देना यार बूटस्ट्रैप 5 का अगर वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।